मैंने खुद कहा हुआ अपने लोगों को कि छुप जाओ, मैं खुद कह रहा हूं अपने कारकुनों को, अपने ऑफिस बेयरर्स को, अपने ओहदेदारों को, कोई जरूरत नहीं है आपको सामने आने की, अपने घरों में ना रहो, छुप जाओ, क्योंकि ये जो अंधेरी रात है, ये जो रात में सबसे ज्यादा अंधेरा है, ये ज्यादा देर नहीं चलता। और अल्लाह कुरान में कहता है कि उसको जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है मुश्किल वक्त में सब्र करना, सब्र करें। मुझे पूरी तरह एहसास है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, लेकिन जो मुझे अफसोस है कि हमारे कोई भी ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो डर डर के कुछ एक आध बयान आ जाता है। और फिर मैं सहाफियों को कहूंगा, मैं समझता था कि कई हमारे सहाफी बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं, चले जी मैं मेरे बड़े खिलाफ होंगे लेकिन डेमोक्रेसी के लिए तो साथ है, तो वही जो तमाशा है ये कैसे देख रहे हैं? क्या उनका कोई जमीर नहीं जाग रहा? क्या जब उन्होंने शीरीन मजारी से जो हुआ और जो उसने फिर आखिर में जाके पार्टी छोड़ी, क्या उनको कोई दिल में आवाज नहीं कोई आई कि ये इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है एक माशरे पे? कोई आपको ये लगा नहीं जो औरतों की तंजीमें हैं, जो औरतों के हकूक के ऊपर बात करती है, कि एक ऐसी औरत जो बेवा, वालदा उसकी बेवा, बेटी एक जो उसका ध्यान रख रही, जो ब्लड प्रेशर की मरीज, उससे जो इन्होंने किया है इस गर्मी के अंदर, कभी एक जेल में लेके जाएं, उसके बाद उधर से निकाल के दूसरे जेल में ले जाएं, उधर अदालत उसको जमानत दे कोई और केस में पकड़ के ले जाए, गुजरात ले गए इस गर्मी के अंदर, तो ब्लड प्रेशर की शीरी हमें पता है उसकी सेहत, उसकी सेहत ने इजाजत ही नहीं देना था। मैंने तो शुक्र किया कि उसने इस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी से रिजाइन किया, लेकिन किसको नुकसान हुआ? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नुकसान हुआ। शीरीन हमारी टॉप पार्लियामेंटेरियन थी, मेरी कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर थी जो जिस तरह वो पढ़ लिख के एक एक इशू के ऊपर आती थी, कोई और कैबिनेट मिनिस्टर, एक हमारी डॉक्टर सानिया थी कि इतनी मेहनत करके कभी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आई जो शीरीन आती थी। उसके अलावा सारे उसके दुश्मन भी जानते हैं कि वो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, वो कभी भी एंटी पाकिस्तान का नहीं सोच सकती थी। शीरीन मजारी जान दे दे लेकिन वो एक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के हर कॉज के लिए खड़ी होती थी। जो लोग उसको अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहते थे, कई दफा वो कई मुठ नाराज हो जाते थे कि वो बड़ी सख्त बातें करती थी, लेकिन वो नजरियाती औरत थी। तो इससे नुकसान तहरीक इंसाफ को तो चले हुआ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, और औरतों को, बड़ी कम औरतों के अंदर इस तरह की सलाहियत है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो शीरीन ने दी। लेकिन उसके अलावा मुझे आज पैगाम आया है कि जी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इन्होंने मेरे घर पे लोग भेजे, घर के अंदर घुस गए लोग, उन्होंने आके रात को बीवी, मेरा 13 साल का बच्चा वहां अंदर घुस गए, मेरी बिजनेसेस के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। लेकिन कहता आखिर में इन्होंने कहा मैं तुम्हारे 13 साल के बेटे को उठा के ले जाएंगे आप, तो मैं जी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी छोड़ गया। तो ये इस वक्त का हालात है कि किसी ना किसी तरह पीटीआई को छोड़ेंगे, सब कुछ गुनह माफ हो जाएंगे। मैं इस वक्त, मुझे हैरत हो रही है और मुझे कई लोगों के ऊपर खुद पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि मुझे बताते रहे कि ये कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, अब मेरी बिजनेस बंद कर दी है, वो काड़ा के अंदर उसके घर, किसी का घर बन रहा था वो गिरा दिया, बुलडोज कर दिया, किसी की दुकानें थी वो गिरा दी जाके। तो मैं फिर से, क्या ये हमारे वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारी जमहूरियत खत्म की जा रही है।